सैमसंग गलेक्सी A52S 5G अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 26 से 25 हज़ार रुपये मिल जाएगा, 25 से 26 हज़ार रुपये मिल जाएगा, तो लेने वाले हो? हाँ गाइज, मैं वही बात करने वाला हूँ। यहाँ पे सैमसंग A52S 5G जो बहुत ज़्यादा बढ़िया डिस्काउंट में मिलने वाला है, पूरा देखिएगा, जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़, यहाँ पे आप लोगों ने सही सुना है कि सैमसंग का जो A52S है 5G अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिल जाएगा 25 से 26 हज़ार रुपये में। तो कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अभी आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट में जाना है। फ्लिपकार्ट में अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे इस फोन का प्राइस जो है, मैंने जब देखा था, क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो 32,000 करीब मिल रहा है। वहाँ पे आपको 5% का ऑफ मिल रहा है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में, तो वहाँ पे वो 1600 रुपये कार्ड देते हैं, तो मतलब ये अराउंड आप लोगों को 1600 रुपये कट जाएगा। देन आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑफर में जाना है वो एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर में जब आप जाओगे, तो मैंने अपना रियलमी एक्स जो मेरा पुराना फ़ोन है उसको मैंने एक्सचेंज किया, तो मुझे 5,000 प्लस दिया जा रहा था, तो मेरे हिसाब से वैसे 1600 माइनस वो कर देते हो और 5,000 समथिंग वो कर देते हो, तो अराउंड 6,500-7,000 करीब पड़ जाता है। तो वही आपको 32,000 वाला फ़ोन 25-26 हज़ार में मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया डील हो जाती है अगर आप लोग देखते हो तो। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगी थोड़ा और रुक जाओ तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि यही 25-26 हज़ार रुपये वाला फ़ोन आपको सिर्फ 23,000, 24,000 और 22,000 में भी मिल सकते हैं, क्योंकि अच्छे ऑफर्स भी आएंगे। तो अभी तो कोई इतना ऑफर अच्छे नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बहुत कम ही लोग के पास होगा, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा डाउन पॉइंट है, तो भाई देख लेना। और फाइनली फ़ोन तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है फ़ोन, मेरे हिसाब से इन लोगों ने सही किया कि प्राइस कम कर दिया इसका, क्योंकि पहले जो इसका प्राइस रखा गया था वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा था, 36,000, बट अब इसको थोड़ा कम कर दिया है, तो ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। डिस्प्ले में भी आपको 6.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है, सुपर एमोलेड मिलता है, सेंटर पंचो मिल जाती है, 120 रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है आप लोगों को, यहाँ पर जो है यहाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, देखने में भी फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। कैमराज में भी आपको मेन कैमरा 64 पिक्सल का मिलता है, और जिसमें आपको वाइस का सपोर्ट मिलता है, 4K रिकॉर्ड कर पाते हो, अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, डेप्थ सेंसर मिल जाता है, माइक्रो लेंस देखने मिल जाता है, तो क्वाड कैमराज का सेटअप भी मिल जाता है। सेल्फी में भी सेंटर पंचोल के साथ 32 पिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जिसमें वाइस का सपोर्ट एंड 4K रिकॉर्ड कर पाते हो, ये भी बढ़िया बात हो जाती है। बैटरी में भी जो आपको 4.5 mAh की बैटरी दी गई है, टाइप से दिया गया है, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाती है, जो मेरे सबसे पर्सनली अच्छी बात है। UI में भी आपको जो है वो यहाँ पे 1 UI मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया UI है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये फ़ोन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अगर आप लोग सैमसंग का फ़ोन देख रहे हो, और तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन अच्छा है। बस ये याद रखना कि यहाँ पर अगर ये फ़ोन आपको 25,000 रुपये करीब मिल रहा है ना, तो मेरे हिसाब से अच्छी डील है, इससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट 25,000 रुपये इस फ़ोन के लिए मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। और आप लोग कमेंट बताना कि आप लोग क्या लगता है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया फ़ोन है। एंड यह याद रखना कि सैमसंग के, वैसे भी सैमसंग की जो ब्रांडिंग है स्मार्टफोन होते हैं, वो आपको बाद में रीसेल भी अच्छा पैसा मिल जाता है, और यहाँ पर इसकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी होती है, तो भाई आप लोग जानते हैं सैमसंग को, और एक ट्रस्ट है सैमसंग पे, तो ये भी बात याद रखिएगा। बता देना कैसा लगा वीडियो, और पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते हैं ऐसे ही डेली वीडियोस बनाने के लिए, और कभी कभार नहीं होता। अभी हमने बीच में एक छुट्टी मारी थी बहुत ही दिनों बाद, तो कभी कभार वो भी छुट्टी हो जाती है। वैसे आजकल नया कंटेंट मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पता नहीं नया फ़ोन क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है आजकल ज़्यादा, तो उसमें भी एक बात ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है। बताना मगर लोगे कि नहीं लोगे, ये भी मुझे बता सकते हो कमेंट करके। और मेरे हिसाब से तो मेरी ये रिकमेंडेशन यही रहेगी, थोड़ा और बाद में ले लो, क्योंकि अभी भी थोड़ी को सेल आएंगी, वैसी सेल नहीं आएंगी जैसे आप लोगों को अक्टूबर नवंबर में मिल रही थी, बट इतनी सेल आएंगी कि 2,000-3,000 और ऑफ आपको मिल जाए, तो वो भी आप लोग उसके लिए अगर इंतज़ार करना चाहो तो इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि जनवरी में मिलेगा आपको, एंड जनवरी बीच बीच में आती रहेगी हर महीने में एक दो सेल, तो उसका इंतज़ार करोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा 2-3 हज़ार और ऑफ मिल जाएगा, और 2-3 हज़ार आपको और सेफ हो जाएगा। तो बता देना, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बेल आइकन जो दबा लो, क्योंकि नया वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। एंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।